हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सॉरी, दो चार मिनट हमें लग गए, एज यूजुअल थोड़े लेट हम हो जाते हैं। और आपके साथ आज का लाइव शुरू कर दिया गया है, और लाइव में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं धड़ाधड़ फटाफट। और हाँ, आई होप यू कैन सी मी राइट। सो हियर वी आर लाइव फ्रॉम इंडिया, एंड वी विल बी आंसरिंग फर्स्ट 10 क्वेश्चन। पहले 10 लोगों के सवालों के ओहो, रुक जाओ। हाँ भाई साहब, रुक ही नहीं रहे थे, हम कह रहे रुक जाओ, बहुत जल्दी है भाई साहब को, कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग। ओके, राइट, सवालों के जवाब शुरू करते हैं। पहले 10 लोग फटाफट अपना सवाल डाल दें, और अगर कहीं 10 सवाल आ चुके हैं और आपका सवाल नहीं आया है तो आप सुपर चैट में पे करके अपने सवाल को ऊपर ला सकते हैं। दैट पेमेंट विल बी लाइक अ डोनेशन टू दिस वर्क ऑफ माइन। जितना आप डोनेट करेंगे उतना हम इस वर्क को और बढ़ाएंगे और बढ़ावा देंगे, कोशिश करेंगे इसको बड़े स्केल में और ज़्यादा लोगों के जवाब दे के, टीम बना के, वेबसाइट बना के, जो भी है उसके लिए पैसा लगेगा, जितना पैसा उतना प्लानिंग हम करेंगे। और राइट, सो फिलहाल पहले 10 लोगों के सवाल का जवाब देने की शुरुआत हम करते हैं। सो पहला सवाल पूछा है मिस्टर राज कामरेले। सर क्या रोज हेयर ड्रायर यूज करना सही है? बिल्कुल भी नहीं जनाब। आपने हमारा हेयर वाला वीडियो नहीं देखा? हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हेयर केयर का, आप हेयर केयर वाला वीडियो को, उसमें साफ साफ बताया है कि योर हेयर शुड गेट ड्राई बाय एयर, एयर ड्राई ही करना है हेयर को। अगर आपने बार बार रोज रोज हेयर में ड्रायर यूज किया तो भगवान मालिक है, वो ड्राई होंगे, टूट जाएंगे, उसके बाहर का क्यूटिकल जो है ऐसे जो चुपके होने की जगह फैल जाएगा। क्या हो गया? थोड़ा सा ये पी लेते हैं। ओके, सो एयर ड्राई, नो हेयर ड्राई, राइट। हेयर केयर का वीडियो देखो, जिसने नहीं देखा है जरूर देखो, प्रोफेशनल टिप भी है हेयर केयर में, और प्रोफेशनल टिप भी है पूरा का पूरा हेयर केयर का रूटीन है। नीचे पूरा लिंक भी दिया होगा, अगर नीचे नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में हेयर का लिंक दिया होगा। ओके, शुभम पांचाल जी बोल रहे हैं, हाय सर, हैंड्स की स्किन ब्लैक रहती है स्पेशली ऑन द जॉइंट्स, एनी टिप? दैट इज अ नॉर्मल थिंग, हैंड्स के जॉइंट्स की स्किन, देखिए आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी के नक्कल यहाँ डार्क होते हैं, किसी के एल्बोज जरा से यहाँ डार्क होते हैं, किसी के यहाँ डार्क होते हैं, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, वो अलग से, दिस इज ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन, दिस इज नॉट मेलास्मा, मेलास्मा अलग होता है, मैंने इसके बारे में मेलास्मा वाले वीडियो में समझाया था, अगर किसी ने मेलास्मा वाला वीडियो नहीं देखा देखो, मेलास्मा है नहीं है, डार्क पिगमेंटेशन है नहीं है, इट्स वेरी गुड वीडियो, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, वो जाके देखो आपको समझ में आएगा ये क्यों होता है, डोंट वरी, एंड उसमें जो टिप्स हैं वो फॉलो करो, धूप से बचो, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाय मिलान, हाउ आर यू? मिलान मानिक, विनीत गौर जी, कैन वी ईट कैबेज रॉ? सम पीपल से दैट वी शुड नॉट ईट कैबेज रॉ बिकॉज इट हैज सम एसिड। नो, ऐसा कुछ नहीं है, कैबेज को बिल्कुल रॉ खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैबेज में रॉ नहीं खाने के लिए एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट उसमें कई बार वर्म हो सकता है, उसमें कई बार वर्म के लार्वा हो सकते हैं, इसलिए इट्स बेस्ट टू बॉइल इट, एटलीस्ट बॉइल इट, कुक इट और समथिंग लाइक दैट, सो दैट उसमें कुछ होगा तो मर जाएगा, और अच्छे से काटोगे तो खाओगे, ये नहीं कि पूरा निकाल के खा लिया, सो यू हैव टू डू दैट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली इट हैज सम गोइट्रोजन्स, इट हैज़ गोइट्रोजन्स मीन्स आपको अगर थायराइड है तो इट कैन कॉज अ लिटिल प्रॉब्लम, 1-2% 3% 4% काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, इतना कम, सो उसको पका देने से उसके गोइट्रोजेनिक इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तो दैट इज़ वेरी गुड, पका के खा लो, है कि नहीं? कम लोग आए आज, 135 ओनली, पता नहीं कहाँ गए बाकी लोग, लेकिन लाइक सिर्फ 9। देखिए अगर एक ही बहुत सिंपल सा चीज़ें हम बात में आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन आपको लाइक दबाना है जनाब, एवरीवन प्लीज, जिसको भी समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, व्हाटएवर इट इज, यू प्रेस द लाइक बटन मैन, कम ऑन। अनी जी इज बैक, हाय अनी जी। ऑलराइट सर, मेरे फ्रेंड की बियर्ड नहीं आ रही है, आई थिंक यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर ऑल्सो, 3 साल हो गए हैं उन्हें, बाल आते ही शेविंग करा ली, फिर भी डाइट भी अच्छी है और मसाज भी किया है सब, फिर भी 3 साल हो गए। गेट हिज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक, टेस्टोस्टेरोन एंड अदर FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, ये सब लेवल्स चेक कराइए, कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, राइट, और एल्स किसी के जेनेटिकली भी होते हैं कि बाल कम आएंगे, दैट कैन बी द रीज़न, राइट, यू कैन कॉन्टैक्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड। हेयर लॉस, हेयर बढ़ाने वाला वीडियो हमारा देखिए, एवरीवन शुड वॉच इट, उसको टिक मार्क करो, उसको सारी चीज़ें उसको फॉलो करो।
Khatij Sheikh, sir. Hi, sir. I have a stomach pain area near navel. I have done endoscopy. Doctor says chronic gastritis, but 1.5 years, that is not cure. One time in a month, mucus and small amount of blood and loss of appetite. See, ye blood and mucus in stool or in blood in the sputum, वो भी नहीं बताया, लेकिन obviously chronic gastritis का मतलब ही होता है कि chronically आपके there is a erosion in the walls of your intestine or the stomach. So chronic gastritis means more than a few months. So already chronic हो गया है, 1.5 years possible. You check your vitamin B12 levels. You see that you do not take a lot of food at a time. Don't fill your stomach. Small frequent diet is the best possible thing which you can do. To heal, you need antacids, you need alkaline things, you need milk, you can take digene or other antacids. Right, maine pura protein, uska protein pura routine bhi bana ke diya hai, digestive health wali series hai. Right, there are specific videos on GERD, gastroesophageal reflux disease, on acidity, on stomach ulcers. So there are so many videos, watch all of them, understand the concept and use the knowledge on yourself. Phir hoga sab kuch theek. Alright. And if you still have a problem, still don't know what to do, contact me on DocWise application. Or if you don't know how to download DocWise, niche link diya hua hai, number bhi diya hua hai. All you need to do is call 0803965-8989 and they will help you between 10 a.m. to 10 p.m. Alright, help you means connect me online. Right. That's how things go. Alright. So we have already finished 5 questions. 5 questions बचे हैं और पहला paid question आ गया है हमारे पास. पहले हम ले लेते हैं paid question और फिर हम वापस आएंगे आपके 5 सवालों के पास. पहला paid question. Let's see who has donated a buddy. Subha Bose जी ने 40 rupees donate किया है और इन्होंने कहा है, what do you think about Amway? Can we trust? Alright, sorry. Can we trust Amway brand? I don't personally use Amway, quite frankly. I feel that their products are number one, very overhyped. Number two, not so cost effective. I mean, there are much other cost effective products which I personally. Third, number three, now this is all mera personal view hai. Maine koi research nahi kiya hai ispe. So number three, Amway mein kya hai ki jab jitni badi company hoti hai na, there are more chances of adulterations, right? In between, right? It's possible maybe the company by itself is not using bad products. Ho sakta hai aur achhe product bhejte ho, lekin ultimately raaste mein kya hota hai, nakli product banta hai ki nahi banta, nobody knows. And aaj tak is duniya mein har cheez ka nakli bana hai, to Amway kahan bache? So Amway is also hai ki nahi? So I don't really use Amway, I don't really trust Amway. But one thing which I will say, observation, Amway ke jitne bhi nutritional supplements hote hai na, wo by far sabse minimum wale hote hai. Right, minimum in the sense, जो भी आपकी requirement होगी vitamin की, इसकी, उसकी, उसका जितना minimum होगा ना, वो minimum से minimum वाला dosage रखेगा उसमें. And उससे क्या होता है कि कोई भी आप product लेते हो ना, so अगर आपकी deficiency है किसी चीज की, तो वो पूरी नहीं होगी. So you have to understand, they are all just a little bit replacement of your natural thing, because वो तो उनको लगता है कि सारे लोग खाते तो होंगे, थोड़ा से दे दो. So that is, so it is not a medicine, that's the thing. Okay, so that's about Amway. Thanks for asking a paid question. अब वापस आते हैं, जब तक कोई पेड क्वेश्चन नहीं आता हमारे नॉर्मल लाइन पे. तो छठा क्वेश्चन हमारा है, छठे में पहले ताशी जी ने हाय कहा है. हेलो मिस मिस्टर मिसेज जो भी हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड मिस्टर है कि मिसेज है बाय द नेम. गोम्बू ताशी जी आपको हाय. और गो फिर सोबिया डॉल, सोबिया जी ने बोला है लेग पेन के बारे में. देखिए लेग पेन पे मेरा एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने, आपने नहीं देखा एक बार टाइप करो यूट्यूब पे लेग पेन बाय डॉक्टर एजुकेशन, उस पर वीडियो है डिटेल, जिसमें उसके सारे कारण और क्या करना चाहिए समझाया है. अब मैं 5-10 मिनट ऐसा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा लेग पेन इन मोस्ट पीपल इज बिकॉज ऑफ वाइटामिन डी एंड डेफिशिएंसी एंड डिहाइड्रेशन नंबर वन एंड थायराइड प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स. सो यू डू दीज थिंग्स है ना, बाकी डिटेल वीडियो देखो उस पर, टेस्ट कराओ इनके. अंकुश चुग, HIIT के बारे में बताएं. Yes, you can get 20 minutes of workout in just 4 minutes by doing HIIT. You can do burpees and
आप जंपिंग जैक्स, बट आई डोंट प्रिफर बर्पीज, डोंट डू बर्पीज. यू डू जंपिंग जैक्स और यू डू स्किपिंग्स और यू जस्ट जंप अलॉट, दैट इज द बेस्ट वे. बट द बेस्ट एक्सरसाइज इज रनिंग, राइट? जो एक होता है ना स्टेशनरी वाली जॉगिंग, घट 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 घट, डू दैट. दैट इज द बेस्ट वे टू डू एच आई आई टी. एच आई आई टी मीन्स हाई इंटेंसिटी. यू कैन नॉट जंप इन हाई इंटेंसिटी, यू कैन नॉट डू बर्पीज एंड झुकना उकना इन हाई इंटेंसिटी. दैट विल एक्चुअली, वो आपका पोस्चर खराब हो जाएगा, आपकी पीठ खराब हो जाएगी. सो हाई इंटेंसिटी का मतलब है समथिंग विच यू कैन रिपीट फास्ट. ऑलराइट, रनिंग, what you can do is jogging, what you can do is skipping, you can do these things and cut 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 cut, right? Pair upar karke, ek pair upar karke, that kind of a thing. So that is HIIT. The best is sprint and jogging. Ghar pe karna hai, khade khade ek jagah pe dug 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 dug, standing jogging karo phada phada. ऑलराइट, हेलो सर, उसको कैसे करना है उसके लिए एच आई आई टी का डिफरेंट वीडियो मेरा, एच आई आई टी बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करो यूट्यूब पे, यू विल गेट अ वीडियो. ऑलराइट, देन लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चनर्स. कौन बचा? मिस्टर मिस सॉरी प्रियांक सक्सेना. प्रियांक सक्सेना जी ने पूछा है, हेलो सर, रिफ्रैक्टरी पीरियड इज टू मच. हा, अब ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने. रिफ्रैक्टरी पीरियड किसका, कहाँ का, क्यों, कैसे? रिफ्रैक्टरी पीरियड इज टू मच का क्या मतलब? अरे थोड़ा सॉरी, आपका सवाल इनकम्प्लीट सा लग रहा है. आई एम नॉट गेटिंग कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, किस चीज का रिफ्रैक्टरी पीरियड, राइट? सो आस्क अगेन. ऑलराइट, शेख मोहम्मद राफी, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स हाई. ऑलराइट, न्यूट्रोफिल्स हाई का मतलब है योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग और योर बॉडी फील्स कि भाई कुछ चला गया उसमें, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई एक्यूट प्रोसेस, ट्रॉमा, आर्थराइटिस, कुछ भी हो रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज. सो योर बॉडी विल इंक्रीज योर न्यूट्रोफिल्स इन व्यू कि भाई कुछ हो रहा है, तो हो सकता है ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, लेट्स प्रिपेयर फॉर फाइट. सो प्राइमरी फाइट उसकी होती है न्यूट्रोफिल्स से, फर्स्ट लाइन वो न्यूट्रोफिल्स को आगे कर देता है. सो इसलिए आपके न्यूट्रोफिल्स एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स हाई बढ़ सकते हैं. So that is the count. अगर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो आपको बाकी सारे टेस्ट के साथ फिजिशियन को मिलना चाहिए. Or else you can connect me also on DocWise application. Link is given below. All right. दीपक कुमार जी, हाय. ऐसे कर दिया उन्होंने. बताओ आप पहले आए, आपने सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं. शिलाजीत फॉर जिम, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो फॉर जिम. All right. बिकॉज अभी मेरे वीडियोज आने वाले हैं इन सब पे, तो देखिएगा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अल्टीमेटली आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, उसी की वीडियो बनाते हैं. अभी देखते हैं. सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगेन इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, डोंट वरी अबाउट नेगेटिव थॉट्स, राइट? इसका कोई टैबलेट नहीं है, आधा घंटा मैं समझा नहीं सकता अभी यहाँ पे. सो यू डू काउंसलिंग, यू नीड काउंसलिंग माय फ्रेंड. साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलो, बैठ के बात करो. यू नीड अ फ्रेंड, या फिर एक फ्रेंड या एक कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपकी सर्कमस्टेंसेस समझता है और जो आपको, और मैच्योर भी है, जो आपको गाइड करे कि आगे क्या करो. यू नीड टू टॉक टू दैट. जो भी बंदे का नाम पहले दिमाग में है वो, उससे बात करो आप, ठीक है? वेट नहीं, विकास शर्मा, विकास शर्मा जी, एज है 35, वेट 78, स्किनी लेग्स डिस्पाइट हेल्दी डाइट, इनफैक्ट लेग, इनफैक्ट इनफैक्ट डिस्पाइट हेल्दी डाइट स्किनी लेग. अच्छा, लेग्स डोंट स्टोर फैट एट ऑल, शुड आई कंसल्ट सम स्पेशलिस्ट फॉर दैट टू सी इफ एनी इश्यू विथ माई बॉडी लाइक हार्मोन इम्बैलेंस? नो, देखिए ऐसा नहीं होता, एवरीबडीज बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. इफ़ योर लेग्स एंड हैंड्स आर वेरी थिन, ये ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस पे कॉर्टिसोल ज़्यादा होने से होता है. दैट मीन्स अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है, योर बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सेंट्रल ओबेसिटी होती है उससे, सेंट्रल ओबेसिटी कॉर्टिसोल से, तो इट्स पॉसिबल यू कैन चेक योर कॉर्टिसोल लेवल 24 आवर, यूरिन कॉर्टिसोल और सुबह सुबह 8 बजे का कॉर्टिसोल, राइट? यू कैन चेक दैट, बट देर आर अदर वेज. आपके लेग्स स्टोर नहीं करते हैं, यू हैव टू डू अ लिटिल लेग एक्सरसाइज. आपको फैट क्यों स्टोर करना है, पहली बात तो ये, मसल बढ़ाओ वहाँ की. यू नीड मसल देर, यू डोंट नीड फैट देर. ये कैसी बात हुई, मेरे पैर में फैट ही नहीं है. भैया फैट नहीं है, दैट्स गुड, स्टोर मसल्स. ऑलराइट, सो इसके पैर पे एक्सरसाइज थाइज के लिए स्क्वाट्स करो, प्रोटीन खाओ ज़्यादा, ईट एटलीस्ट 1.2 टू 1.8 ग्राम प्रोटीन पर डे. उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन का वीडियो देखो यूट्यूब पर टाइप करके, एंड यूर गुड, एंड डू द टेस्ट, कॉर्टिसोल करा लो, चलो कोई बात नहीं. सागर कोठारी, वेट गेन टिप बाय माय वेट इज 60.
60 weight is good, my friend. फिर भी weight gain चाहिए, tip चाहिए, तो you have to eat a lot. You have to increase your diet. Calorie surplus पे जाना है. कैसे जाना है? Just type weight gain by doctor education. I have a video on that. उसको जाके देखो, you'll see how. All right. Semen in urine, it's normal. Semen in urine is normal when you masturbate, when you have sex. आपका पूरा का पूरा सीमन ऐसा नहीं होता कि यूरिनरी रास्ते से, पेशाब के रास्ते से पूरा निकल गया और पूरा का पूरा निकल गया, एक एक बूंद, ऐसा नहीं है. वो पूरा रास्ते में लगा हुआ रहता है, वो रास्ते में यहाँ 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 लगा हुआ रहता है. सो व्हेन यू यूरिनेट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर सेक्स और फर्स्ट टाइम आफ्टर सेक्स, और यानी रात को सेक्स करके सो गए, फिर सुबह सुबह यूरिन किया, उसका सैंपल दे दिया, तो उसमें सीमन आ सकता है, बिकॉज दैट विल फ्लश आउट ऑल द सीमन वहाँ लगा हुआ है. सो इट्स नॉर्मल, यूरिन में सीमन इज नो प्रॉब्लम. एंड द सेकंड कॉज इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन. रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब है, अगर आप एक्चुअली इजैकुलेट कर रहे हो और इजैकुलेट करते टाइम आपने पेनिस का हेड दबा दिया कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे अपना सीमन वेस्ट नहीं करना है, तो क्या होता है, वो वहाँ से फायर होता है, वहाँ से निकलता है, वहाँ नहीं जा सकता, तो पीछे ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, रेट्रोग्रेड, तो यूरिन में सीमन आ जाता है. दैट इज वन रीजन, राइट? ऑल राइट, मजा आ रहा है? लाइक दबाते जाना. ऑल राइट, सीमन इन यूरिन. आई थिंक वी हैव डन आर 10 क्वेश्चंस. एक सेकेंड, वी हैव डन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. वाह वाह वाह, 11, 12, 13 हो गए. चलो दोस्तों, आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं. जितना छोटा वीडियो उतना आगे जाके लोग देखेंगे. 10 सवालों का हमारा वो था. हम चलते हैं, कुछ डिनर विनर करते हैं, और आप भी कल आइए, कल मिलेंगे आपसे. और हाँ, रात को एक वीडियो डालने का हमारा उद्देश्य है, उम्मीद है. ओ माई गॉड, एक पेड क्वेश्चन आ गया है, तो पेड क्वेश्चन आंसर दे के जाते हैं जब तक बाकी लोग पेड क्वेश्चन का सवाल का जवाब कोई होगा तो दे सकते हैं. I am fully satisfied by your answer. I purchase from Amway stores, लेकिन supplement omega 3 and D3 magnesium कहाँ से लूँ? Amazon is not trusted at all. GNC India official. आपको omega 3, D3 और magnesium चाहिए. Okay. ऐसा है, D3 के लिए तो आप D3 की टोटल वो लीजिए, क्या नाम है उसका, विटामिन जो अपराइज D3 या कोई भी D3 की अलग से 60,000 यूनिट की कैप्सूल या सैशे आता है. अगर आपका D3 नॉर्मल है तो मंथली एक ले लो मेंटेनेंस के लिए, और अगर नॉर्मल नहीं है तो हफ्ते में एक ले लो 6 हफ्ते के लिए. दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली 6 से 8 हफ्ते के लिए इंक्रीज योर D3. सेकेंड क्या बोला था आपने, ओमेगा 3 के लिए बेस्ट ऑप्शन इज टेक अ मल्टी विटामिन विच हैज़ ओमेगा 3 सप्लीमेंट, एंड टेक नेचुरल ओमेगा 3s इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स, एंड या फिर ऑयल चेंज करो, टेक मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल्स विच हैव मोर ओमेगा 3s. ऑलराइट, दैट्स द थिंग. एंड उसके अलावा मैग्नीशियम इज अ ट्रेस मिनरल. ऑल यू नीड, ऑल द मैग्नीशियम विच यू नीड विल कम फ्रॉम योर डाइट एंड वाटर. एक अच्छी डाइट मेंटेन करो, वैरायटी ऑफ फूड्स खाओ, मेक श्योर टू ईट वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स, ये सब खाओगे, यू गेट ऑल योर मैग्नीशियम. यू डोंट नीड मैग्नीशियम सप्लीमेंट. ऑलराइट, अगर मेडिकल मैग्नीशियम सप्लीमेंट डॉक्टर ने बोला है तो वो दवाई लिख के देगा. ऑलराइट, चलो दोस्तों, बाय बाय. अगर कोई सवाल नहीं है तो हम चलते हैं. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड आई होप यू आर वॉचिंग माई एवरी सिंगल वीडियो ऑफ दिस. अब मैं इस पर लेबल करना भी शुरू किया है. एंड थैंक यू गाइज, प्लीज़ गाइड अदर्स जो भी हमसे बात करना चाहते हैं. जिनके सवाल रह गए हैं, डॉकवाइज एप्लीकेशन पे आप आ सकते हो. अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मुझसे मिलना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है, मेरा क्लिनिक का एड्रेस ही मेरा घर है, मुझे लेटर भेजना है, कुछ भेजना है, वहाँ भेज सकते हो. राइट, एंड यू कैन कॉल ऑन 0803965898 टू कंसल्ट मी ऑनलाइन. थैंक यू.